अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोज़ेक आर्ट डिज़ाइंस दिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही खूबसूरत आर्ट है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई जाती है मार्बल्स के ज़रिए। मार्बल्स को थोड़ा कलरफुल मार्बल्स को क्रश करके उनके स्टोन्स को इस तरह से यूज़ किया जाता है कि वो फ्लावर्स, पेटल्स और डिज़ाइनिंग में ऐड हो सके। इस वीडियो में आपको मोज़ेक आर्ट में मंडाला स्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं। मंडाला भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, मोस्टली और स्पेसिफिकली बिल्डिंग्स में बनाया जाता है। और उसके अलावा जैसे टेबल्स हो गए, ग्राउंड फ्लोर्स हो गए, डेकोरेशन पीसेज हो गए, मोज़ेक आर्ट को उसमें भी यूज़ किया जाता है। ना सिर्फ इसमें मार्बल्स बल्कि डिफरेंट स्टोन्स भी यूज़ किए जा सकते हैं, जिन्हें हम बहुत सारे स्टोन जैसे हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, ग्राउंड स्टोन्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और इसके अलावा मार्बल्स हर कलर में अवेलेबल है, उनका क्रश करके इस तरह से हम डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं, अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। जिन्हें आर्ट का शौक़ है, उन्हें इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि हम अपनी चीज़ों को किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई कप या कोई मग टूट जाता है, उसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उससे डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वेस्ट चीज़ को हम फेंक दें, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी ना किसी डिज़ाइनिंग में। इनके बहुत स्पेसिफिक कटर्स मिलते हैं, उनकी मदद से ये डिज़ाइनिंग की जाती है और बहुत अच्छे लगते हैं ये डिज़ाइन। अगर आपकी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये बेनिफिट होगा, आपको डेली नोटिफिकेशन अपडेट मिलती रहेगी। व्यूअर्स, अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखा करें। आप जब हमारी वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें और हमें अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखा करें। अल्लाह ताला आपकी सारी दुआएं को सारी दुआएं वो जो आपके हक़ में आपके लिए बेहतरीन है, उनको कबूल मंजूर फरमाएगा। हमारी वीडियोस को लास्ट तक देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा लाजमी तौर पर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।